वेलकम फ्रेंड्स, फार्मा जीपेट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने चैनल का 49th वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मैंने पिछले अपने 5 वीडियो में जीपेट 2019 के क्वेश्चन अपलोड किए थे, तब कई स्टूडेंट्स ने पूछा था इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको रेगुलर तौर से मिलते रहे। लेट्स मूव टू द प्रेजेंटेशन। फर्स्ट हम जीपेट 2019 का पेपर के समरी देखते हैं। तो इस बार डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी आई था, इस बार का पेपर टफेस्ट था। अगर हम पिछले 20-30 साल के जीपेट के क्वेश्चन देखें तो कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था फ्रेंड्स। सो मैं सोचता हूँ कट ऑफ मार्क्स विल बी लोअर देन प्रीवियस ईयर। कट ऑफ मार्क्स काफ़ी लोअर रहेगा इस साल, मैं ऐसा सोचता हूँ। कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करना है ये अथॉरिटी डिसाइड करती है, कितने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना ये भी ऊपर से अथॉरिटी ही डिसाइड करती है। ये डिपेंड करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्मेंस किया है उसके ऊपर भी काफ़ी निर्भर रहता है। अगर स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो कट ऑफ मार्क्स विल बी हायर, अगर स्टूडेंट्स ने पुअर परफॉर्मेंस दिया था कट ऑफ मार्क्स विल बी लोअर। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द कट ऑफ मार्क्स। डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई था, तो मैं सोचता हूँ फर्स्ट जनरल के लिए 90 मार्क्स रहेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स, एससी एसटी के लिए 60 मार्क्स और ओबीसी के लिए 75 मार्क्स रहेंगे। ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है मे बी। सेकेंड प्रोबेबिलिटी में देखते हैं, अगर गवर्नमेंट को कम स्टूडेंट को क्वालिफाई करना है और स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो जनरल के लिए 100 रहेंगे, एससी एसटी के लिए 70 मार्क्स रहेंगे और ओबीसी के लिए 90 मार्क्स रहेंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली इस कैटेगरी में सारे स्टूडेंट्स आने चाहिए। और थर्ड प्रोबेबिलिटी लास्ट, स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और गवर्नमेंट और स्टूडेंट को ज़्यादा स्टूडेंट को क्वालिफाई नहीं करना चाहती तो जनरल को 120 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, एससी एसटी को 80 और ओबीसी को 100 रहेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा थिंकिंग है, पर्सनल थिंकिंग है। मैं काफ़ी सालों से जीपेट के क्वेश्चन देखता हूँ और मैंने खुद भी जीपेट क्वालिफाई किया है, तो मेरे एक्सपीरियंस से ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रोबेबिलिटी रहेगी। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं और वीडियो अपलोड करूँगा फार्मेसी के रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू।